मेरा वली अल्लाह है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, अल्लाह कहते मैं तुम्हारा वली हूं। व रसूलहू, जिस तरह मैं वली हूं उसी तरह मेरा रसूल वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, तीसरा वली है अंगूठी वाला। जलाल पोरा ले, नौकर हो गया जाफर अज तुहाडा, अज तुसे हद कीती है खुदा की कसम। चंगा मैंने रोज लड़के आना चाहिए गड्डी। फिर सही पढ़ लेने जी, इन्हें मैंने बड़ा तंग किया, मैं तुम्हें मिंबर से पे आना, मियां साहब समझाया जी इन्हों। पहला वली अल्लाह है, दूसरे वली रसूल है, तीसरा वली अंगूठी वाला है। मैं ना तो नहीं लिया, निशानी दसी है, अल्लाह भी ना नहीं लिया, अल्लाह ने भी निशानी बताई है। 73 फिरके के मुफस्सरीन ने लिखा है अंगूठी वाला अली है। आज तो जलालपुर मैं सियालकोट नहीं जावन देता, आज मैं इतने ही हूं। ए मौला की किस्म है, खुशामदी अल्लाह की लानत है यार। नौकर है सैदा दे, तुहाडी दुआ दे, तुहाडी नौकरी खड़े कर दे, तुहाडी वकालत कर दे, मौला की कसम है। रकू की हालत में खड़ा है अली, सिर्फ अली नहीं खड़ा, सारी जमात है, भरी पड़ी है मस्जिद। सवाली खड़ा है मस्जिद के दरवाजे पर, उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने भी नहीं दिया। उसने फिर दूसरी दफा कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, फिर किसी ने कुछ नहीं दिया, अली ने भी नहीं दिया। तीसरी मरतबा सवाली ने लफ्ज बदले, जहां अली ने हाथ उठाया आसमान की जानब देख के कहते मालिक गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जेड़ा हाथ नहीं चाह सकिया मजबूर ना होवे, अल्लाह करे जीते रहो मेरे जवानों। मातमी ना बोलेगा तो मोहसिन शाह कौन बोलेगा जाफर देना, जना फेफड़ा ठीक है उच्चा बोले है वरी। कौन सा लफ्ज है जो जलालपुर में जाय हो रहा है, हर लफ्ज खरीदा जा रहा है। मालिक मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूं, सीट बड़ा सोना। जब अल्लाह के घर पे बात आई फौरन अली ने रकू से हाथ उठाया। ये लफ्ज मैंने बड़ा पसंद है, तुम्हें आ जाएगा इंशाल्लाह। पहले तो किबला सवाली नु सोचना चाहिए ना, भी ये नमाज पे पढ़ दे ते मैं बाद च मंगा। मुर्शिद इसका मतलब है सवाल लिया फर्शी फुर्शी नहीं। यार ये बच्चा कितना अच्छा बोला है मेरे साथ जवान, मेरे बुजुर्ग हाथ चाह लेने, जवान हाथ चाह लेने, बाहर आले पिछले सारे हाथ चाह के अली नु सलाम पे कर दो, मैं तो अनु सलाम पे कर दू। हाय हाय हाय, काश मेरे पास दो ढाई घंटे आज होंगे। आज मेरा मौला दी मिंबर दी कसम, मजलिस दी तहारत दी कसम, सैयदा दी इज्जत दी कसम, मैं तुहानू छड़ के जाण ते दिल नहीं पे करदा, पता नहीं क्यों। चलो यूं यूं सुनते जाना ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा बातें हो जाए। अल्लाह के घर पे जब बात हुई, अली ने रकू से हाथ उठाया, साइल की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, अली ने फिर हाथ रकू में रखा। किसी के इल्म में दम है ना, जितना करोड़ का है मैं चेक काट दूं, लेकिन मुझे फतवा लिख दे कि अली की वो नमाज बातिल है। जेड़ा हाथ चाव गया हाथ हुसैन दी मां तो खैरात ले गए। आज जलालपुर नहीं पे लगता मौला दी के समय में लगता मैं अर्श से खड़ा, चूंकि आपकी मजहब जाफरिया की, थैंक यू भाईजान, जो फिकह की पहली किताब है मेरे बच्चों वो दीनियात है, जिहड़ी घर च मावां पुत्रां नूं पढ़ांदे हन। दीनियात अव्वल, उसूल दीन कितने हैं, फरूए दीन कितने हैं, नमाज के वाजबात कितने हैं, नमाज के मुस्तहबात कितने हैं, नमाज के मकरूहात कितने हैं, शकियात नमाज कितने हैं। पहली किताब से लेकर आपकी जो फिकह की आखिरी किताब है, जिसे मौलवी ना पढ़े इज्तिहाद की डिग्री नहीं मिलती, वहां तक जामिन हूं। क्या
दो काम हालत नमाज में नहीं करने, मना है। वो आदम नमाज पढ़े या आदम का बच्चा। जो भी इबादत गुजार है, जो नमाज पढ़ता है, उस पर हुक्म है कि दो काम नहीं कर सकता। एक तो मुसलसल हरकत नहीं करनी बेजा, दूसरा अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल नहीं करनी। अगर बेजा हरकत करोगे तो नमाज बातिल, अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल करोगे तो नमाज बातिल। मसलन मैं नमाज पढ़ूं, बच्चा शरारत करे, उसका हाथ पकड़कर मैंने यूं पीछे किया, बातिल। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, बच्चा चल फिर रहा है, उसे मैंने नमाज की हालत में, ओ बेटा शरारत ना कर, बातिल। आए आए आए, यानी दो काम जिसने भी किए जो अल्लाह का आबिद है उसकी बातिल है इबादत। लेकिन पूरी अल्लाह की कायनात में सिर्फ मेरा मुर्शिद अली है जिसने दोनों काम किए हैं। ये दरमियान वाले यार, पहला काम आप सुन चुके हो, हालत रुकू में अली खड़े हैं। रुकू वाजिब नहीं है, रुकन है नमाज का। वाजिब और रुकन में फर्क होता है। जो भूले से रह जाए फिर नमाज भी हो जाए वो वाजिब है, जो रह जाए और नमाज ना हो वो रुकन होता है। रुकू रुकन है नमाज का। रुकन की हालत में अली खड़े हैं। सवाली ने सवाल किया, उसने हाथ फैलाया, वो चल के आगे आया, अली ने रुकू से हाथ उठाया, उसकी तरफ यूं बढ़ाया बिला तशबी, उसने अंगूठी उतारी, अली ने फिर हाथ रुकू में रखा। अली की बातिल नहीं हुई बल्कि विलायत का ऐलान हुआ, अल्लाह राजी हुआ, आयत नाजिल हुई, मुस्तफा ने सीने से लगाया, अली के माथे पर बोसा दिया। यह है हरकत का, अली की हरकत जिस पर आयत नाजिल हुई। दूसरा काम अपनी गुफ्तगू जो अली ने नमाज में शामिल की वो कब? 19 रमजान सजदे में अली चली जर्ब, सजदे में रखकर सर, अली कहते फज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया है। आपका फेफड़ा ठीक है तो ऊंचा बोलना, थले थले रख के अली नु सलाम ना करी गाजी दा वास्ते। जहां अली ने हरकत की वहां आयत नाजिल हुई, जहां अली ने अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल की वहां शहादत का रुतबा भी मिला, शामयाबी ने भी अली के कदम शो में अल्लाह फिर राजी हो गया। तो फिर बंदे का बच्चा बन टैं 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 करके हमें काफिर नुसैरी ना कहे, अपने इल्म में इजाफा कर। नमाज बातिल होती है नमाजी की, अली नमाजी नहीं, अली नमाज है। जो हाथ उठ गए हैं हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले गए हैं, जिन्ना दी छाती अल्लाह में यार, आपकी क्या बात है।